Welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today we'll also be taking your calls on mutual funds and related issues. The numbers on which you can call us on are 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. My name is V. Ravi Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra. नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज दिन है रविवार और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमें फोन करके म्यूचुअल फंड से जुड़े अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 2331-4444, 2371-7106 और तीसरा नंबर है 2371-7117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में है म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। पहले हेडलाइंस रवि से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अर्जेस स्टेट्स टू टेक एडवांटेज ऑफ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम टू इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन कॉल्स अपॉन प्राइवेट सेक्टर टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। And foreign investors pump in nearly 25,000 crore rupees into the Indian capital market so far in February. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से कहा है कि वो देश में विनिर्माण बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना का पूरा लाभ उठाएं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत की विकास गाथा का हिस्सा बनने के लिए निजी क्षेत्र का आह्वान किया है और विदेशी निवेशकों ने देश के पूंजी बाजार में फरवरी में अब तक लगभग 25,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। Prime Minister Narendra Modi has said the central government has introduced the Production Linked Incentive or PLI scheme for various sectors, thus providing an excellent opportunity to increase manufacturing in the country. Addressing the sixth meeting of the Governing Council of Niti Aayog yesterday, he urged the states to take full advantage of the scheme and attract maximum global investments and reap the benefits of reduced corporate tax rates. The Prime Minister said India has made up its mind to progress rapidly and does not want to lose time. He said the positive response received for this year's budget has expressed the mood of the nation and the youth is playing a pivotal role in setting the mood. The Prime Minister said Atmanirbhar Bharat campaign is the way to build an India that produces not only for its own needs but also for the world. He said the country's private sector is also coming forward with energy. The Prime Minister also emphasized on strengthening MSMEs and startups. He said every state, every district has its unique strengths. He said products should be shortlisted from every district and promoted, which will create a healthy competition among all districts and states and help in boosting exports. कॉल्स शुरू करने से पहले एक छोटी सी खबर और बता दूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल और असम का दौरा करेंगे। श्री मोदी असम के धेमाजी जिले में सिलापाथर में आयोजित एक कार्यक्रम में तेल और गैस क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री इंडियन ऑयल की बोंगाईगांव रिफाइनरी की इंडमैक्स इकाई, डिब्रूगढ़ के मधुबन में ऑयल इंडिया लिमिटेड के दूसरे टैंक फार्म तथा तिनसुकिया में हेबेडा में गैस कंप्रेशर स्टेशन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे धेमाजी में एक इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन करेंगे और सुवालकुची इंजीनियरिंग कॉलेज की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजनाएं असम में ऊर्जा सुरक्षा और समृद्धि के एक नए युग की शुरूआत करेंगी तथा स्थानीय युवाओं के बीच रोजगार के नए अवसर लेकर आएंगी। साथ ही पश्चिम बंगाल की यात्रा के अवसर पर प्रधानमंत्री हुगली में कई रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने ट्वीट में कहा है कि पश्चिम बंगाल की पावन धरती ने ऐसी महान विभूतियों को जन्म दिया है जिनका देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आरएस दहिया हैज जॉइंड अस लाइव फ्रॉम दिल्ली। दहिया साहब, वेलकम टू मार्केट मंथ, प्लीज पुट योर क्वेश्चन। हेलो। हाँ दहिया साहब, हम आपको सुन पा रहे हैं, अपना सवाल पूछें। सर नमस्कार। नमस्कार।
सर ये क्वेश्चन मैंने पहले भी रेज किया था, आई वांट टू रेज अगेन थ्रू योर मीडिया. आई वांट दिस क्वेश्चन और द बेसिक फैक्ट्स टू रीच टू सेवी समहाउ. इफ ए फंड मैनेजर और एएमसी इज नॉट एबल टू अचीव द बेंचमार्क टारगेट, देन दे शुड नॉट चार्ज एनी एक्सपेंस फ्रॉम द इन्वेस्टर. इट्स लाइक फेलिंग इन एग्जाम, इट इज डेफिशिएंसी इन सर्विस. I remember, you know, discussing this, and this is also being discussed at the regulators, you know, they are aware of it, and, you know, it is a good concept. Conceptually, it's a fine idea that, you know, a fund manager, when he beats the benchmark, then only he should charge, otherwise he should not. But practically, it is not possible, because beating the benchmark requires a definite time frame. The expenses of a fund are charged on a daily basis. So whatever you are saying, conceptually and principally it is right. But the way mutual funds are functional, it is not possible to do it. It can be done only in a closed-end fund with a time period of a full market cycle, a phase of market in which the market goes down and the market goes up. And during that period, if the fund manager is unable to beat the benchmark, he should not charge that money. And that should be possible. That is possible only in case of a closed-end fund where all investors come and they remain with the fund till the end of the fund term. It is not possible in an open-end fund where investors come in and go out every day. दिल्ली से अरुण हमारे साथ हैं. अरुण, स्वागत है आपका, सवाल पूछें. हेलो जी. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग जी. जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट व्हाट हैज हैपेंड टू फ्रैंकलिन टेम्पलटन. इट वाज सपोज्ड टू गिव अस द रिफंड लास्ट वीक. इवन द मेजर newspapers had also announced, you had also announced. Yeah, and they have done it. And just look for the newspaper and look for your mail. And I was also an investor. My companies were also an investor. And, you know, in ultra short-term bond fund. And we got the money on Tuesday. So you should get back to them. And if you are an investor, they have also sent you a mail. And there are one or two situations where, you know, there could be a problem if you are not online. But I think, you know, majority of the investors got the money. There could be transmission issues. There are two situations in which investors may not have got it, which is if your investments were pledged, if there was a lien on your investment, or there is some kind of transmission situation that, you know, the owner of the fund manager does not exist anymore and it has to be given to his successor. That required some paperwork, and that is why. For all normal investors who have, you know, online bank account and, you know, your registered bank account with them, I got all my money for all the key investments directly in the bank on Tuesday. So, Dhirendra, if anybody who is an investor in Franklin Ultra Short Bond Fund and has not got its money, and these two reasons, pledged or transmission, are not issues, he should immediately escalate it to the fund? Yeah, they should immediately get in touch with them. And, it is rightful. And, in fact, my sense is that, you know, a lot of people have not checked their bank account. And but after that, you know, even Franklin Templeton has sent an account statement reflecting the redemption of these investments. And just check your mail. You know, normally we become very passive with our investment and we may not have taken note of it. Okay. Noida se SPS Jain hamare saath hain. Swagat hai aapka, sawal puchhein. Namaskar ji, Dhiren ji. Namaskar. For a person with moderate risk appetite, उसके फंड का कितना परसेंटेज इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए? एक मॉडरेट लेने वाले को पहले यह निर्धारित करना चाहिए कि उसका कितना पैसा इक्विटी में होना चाहिए. और इक्विटी में निवेश करने का कई जरिया है. एक तो आप किसी इंडेक्स फंड में पैसा लगाएं, दूसरा कोई एक्टिवली मैनेज फंड में पैसा लगाएं, या तीसरा आप इक्विटी शेयर खुद सीधे खरीदें. और अगर आप कोई अच्छा फंड फुल मार्केट साइकिल के लिए खरीदने में सक्षम नहीं है, इंडेक्स फंड जरूर लीजिए. और ये कोई परसेंटेज की बात नहीं है, ये विश्वास की बात है. आपको लगता है कि इंडेक्स फंड अच्छा है और इंडेक्स फंड का कुछ एक स्ट्रांग केस है. इंडेक्स फंड का ये केस है कि ये फंड ना तो अच्छा करेंगे ना बुरा करेंगे, हमेशा इंडेक्स इतना करेंगे और इनका खर्चा कम है. और दूसरे लार्ज कैप फंड को इनको बीट करने में आज समस्या हो रही है, क्योंकि ये दोनों के खर्चे में बड़ा अंतर है. 10-15-20-25 बेसिस पॉइंट पे आप इंडेक्स फंड खरीद पाते हैं और 1.25% खर्चा होता है लार्ज कैप फंड का. तो किसी लार्ज कैप फंड को डायरेक्ट प्लान में भी 1.25% सालाना उसको बीट करना पड़ेगा इसके रिटर्न को मैच करने के लिए. तो ये बड़ा बड़ा डिसएडवांटेज या बड़ा बैरियर है. और उससे ज्यादा रिटर्न अगर कोई लार्ज कैप फंड
जनरेट करेगा तभी आपको फायदा होगा। और तो इंडेक्स फंड का एक अच्छा, इंडेक्स फंड जो अधिकतर अभी जितनी बड़ी रकम इंडेक्स फंड में दिखती है उसका आम कारण ये है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और एनपीएफ का अधिकतर पैसा उन्हीं कंपनियों में, इंडेक्स कंपनियों में लग रहा है। और इंडेक्स के साथ एक बड़ा एडवांटेज भी 2-3 साल में बिल्ड हुआ है कि ये पैसा लगातार लगता चला जा रहा है। हर महीने 2-2.5 हजार करोड़ रुपया ईपीएफओ का लगता है, 2 हजार करोड़ रुपया करीब एनपीएफ का लगता है और ये निकलता नहीं है और उन्हीं 50 कंपनियों के शेयर में लगता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि इन कंपनियों का रुख काफी बदल गया है। गिरते बहुत जबरदस्त तरीके से नहीं है और बढ़ते जब है तो काफी जोर से बढ़ते हैं। और शायद यही कारण है कि हम कंपनियों के प्रदर्शन के बारे में बड़े आशंकित हैं, उसके बावजूद हमारा ये भी एक कारण है, ये अकेला कारण नहीं है कि हम आशंकित हैं कि कंपनियों का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन तब भी इनके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा कि आपके पास ये 3 तरीके का जरिया है और अपने विश्वास के आधार पे आप एक एक कोई एक जरिया या कॉम्बिनेशन ऑफ दो जरिया आप अख्तियार करें। ए के जैन फ्रॉम दिल्ली इज ऑनलाइन विद अस। जैन साहब, वेलकम टू मार्केट मंत्र, प्लीज पुट योर क्वेश्चन। मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा प्रश्न HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के लिए है। मेरा इसमें निवेश है, इसका प्रदर्शन पिछले 3 सालों से बहुत खराब रहा है, लेकिन अभी कुछ लग रहा है कि इसमें प्रगति हो रही है जी। तो मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ धीरेन जी। हाँ जी, मुझे भी बड़ी निराशा हो गई थी और पिछले 5-6 महीने में 6 महीने में ये 30% बढ़ा है और दूसरी फंड की तुलना में ये बढ़ोतरी ज्यादा है। अपने दूसरे जो इस कैटेगरी के अधिकतर फंड है उनसे दोगुना रिटर्न है अगर उस नजरिए से देखें, डायनेमिक एसेट एलोकेशन जो फंड का है। तो हाल फिलहाल इसका प्रदर्शन बड़ा जबरदस्त रहा है और उसका कारण भी है। जिस कारण से ये फंड का प्रदर्शन कमजोर था उसी कारण से आज इस फंड का प्रदर्शन मजबूत है या बेहतर है, क्योंकि वो जो जिन स्टॉक्स में लगा हुआ था खासकर PSU बैंक और वो एक तिहाई पैसा करीब करीब इसी खुद ही फंड का रहा है। और वहां पे हमने देखा है कि पिछले दिनों वहां बड़ी बढ़ोतरी देखी गई है और एक खास इसका जो एक बड़ा एलोकेशन जो फिक्स्ड इनकम है वहां पे किसी भी तरह का इसको नुकसान नहीं हुआ है। तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट के बेहतर प्रदर्शन की वजह से यहाँ पे हम इस तरह का प्रदर्शन देख रहे हैं और मुझे लगता है अब इस फंड का के बेहतर प्रदर्शन का समय शुरू हुआ है और जब तक ये जारी रखता है इसको बेचना नहीं चाहिए। गाजियाबाद से गौरव हमारे साथ हैं। गौरव, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। सर नमस्ते धीरेन जी। सर वो फ्रैंकलिन के जो पैसे आ रहे हैं वो SBI के नाम से आ रहे हैं, फिर आने तो शुरू होगा, पूरे नहीं आए, 40-50 हजार मेरे से बचे हुए तो उसमें से 3-4 हजार ही आया, इसलिए पहला सवाल था। दूसरा सवाल ये पूछना था सर कि किसी स्टॉक का फैक्ट शीट में सब पीछे क्या हुआ कहानी लिखी होती है, फ्यूचर की कैसे कोई टूल है कोई जिसको अपन फ्यूचर में पता कर सकते हैं फ्रंट आगे कैसा करेगा, इसका कोई टूल है या ऐसी कोई साइट है या ऐसा कोई मैथमेटिकल टूल है जो बता सके फ्यूचर में फंड कैसा करेगा। आपका दूसरा प्रश्न बहुत मुश्किल है लेकिन मैं इसको जवाब देता हूं, ताकि पिछला वाला जो पहला प्रश्न है वो फैक्चुअल जानकारी है। फंड के भविष्य के बारे में अगर आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको उम्मीद करना चाहिए कि जैसा मार्केट करेगा उसी के रेंज में आप प्रदर्शन होगा और भविष्य के बारे में अगर आप पॉजिटिव हैं या ऑप्टिमिस्टिक हैं तो उस तरह के रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन अगर मुझे बारीकी से आंसर देना हो तो पास्ट परफॉर्मेंस आप देखते हैं फैक्टशीट में और भविष्य के लिए वो डिस्क्लेमर है कि भविष्य में आपको पता नहीं कैसा रिटर्न मिलेगा और आपका पैसा डूब भी सकता है। अगर उसको मैं उसको ज्यादा सीधे तरीके से अगर बोलूं कि ये जो टेढ़े मेढ़े तरीके से लिखा रहता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड चेक दिस, उसका मतलब यह है कि ये कम समय में या एक खास समय में ये दाम बढ़ भी सकता है, गिर भी सकता है, आपका नुकसान भी हो सकता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इक्विटी फंड में निवेश करना ये एक बड़ा बेट है हमारे भविष्य के बारे में। और तो अगर आपको लगता है कि ऑप्टिमिस्टिक है, आप अगर हैं 2-4 साल में हमारा बाजार अच्छा करेगा, हम बेहतर करेंगे, आमदनी बढ़िया होगी, तो इसके बारे में उम्मीद रखना चाहिए। अगर इसके बारे में कभी आप बहुत निराश हो जाएं आप और आपको भरोसा हो कि आप सच होगा, आप जो सोच रहे हैं वो सच होगा, तो इक्विटी फंड से आपको पैसा निकाल लेना चाहिए। दूसरा जो आपका पहला प्रश्न था, सुप्रीम कोर्ट की के जजमेंट के तहत ये जो फ्रैंकलिन को आदेश दिया गया था कि
कि ये जो पैसा जो निवेशकों का है, एक फंड में 50%, दूसरे फंड में 52%, ये आपके पास एक मेल आया होगा कि कितना प्रतिशत किस फंड का लिक्विड था और उसके तहत ये पैसा आपको मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि ये पैसा फ्रैंकलिन आपको नहीं देगी, वो पैसा अपने निवेशकों की जानकारी के साथ SBI म्यूचुअल फंड इसको डिसबर्स करेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से ये आपको पैसा SBI म्यूचुअल फंड से आ रहा है, SBI एसेट मैनेजमेंट कंपनी से आ रहा है, लेकिन वो पैसा फ्रैंकलिन से ही आया हुआ SBI में है जो कि आपको मिल रहा है। और उसके बाद फ्रैंकलिन से आपके पास एक अकाउंट स्टेटमेंट आया होगा, उसमें आप देख पाएंगे कि आपके पास पहले कितना यूनिट था और ये कितने यूनिट्स रिडीम हो गए जिसकी वजह से ये पैसा आपको मिला है, और बचा हुआ जो पैसा है वो पीरियोडिकली आपको वापस दिया जाएगा जब भी इनको लगता है कि एक खास पैसा अलग अलग फंड में इकट्ठा हो गया है, तो ये पीरियोडिकली दिया जाएगा। तो मेथोडिकल जो आपके पास पहले ये जानकारी आई होगी कि सारे निवेशकों को के साथ एक पोल किया गया था कि आप मेथोडिकल रिडेंशन चाहते हैं अपने AMC का, अपने निवेश का, तो उस अधिकतर लोगों ने उसको ही चुना है और उसी के तहत ये पैसा आपके पास धीरे धीरे आएगा जैसे जैसे पैसा इकट्ठा होता जाएगा। आशु दुग्गल फ्रॉम गाजियाबाद जॉइंड अस। आशु, वेलकम टू मार्केट मंत्र, प्लीज पुट योर क्वेश्चन। हेलो। या आशु, गो अहेड, प्लीज पुट योर क्वेश्चन। I have a question, like what exactly do we mean by value or contra-based mutual funds and how does it differ from index funds? And if the money of EPF and NPF is also invested in value and contra funds? So that's one question. And the second question is, what about the prospects of Invesco India Global Consumer Trend Fund, which has recently started? Like, please share your thoughts. Like, is it like what exactly is this mutual fund into? Thank you. They are all different. Index funds replicate the index. So when you give your whatever money to an index fund, depending on which fund it is, your money is exactly split into those. Nifty fund will, your money will be invested in the same proportion in the 50 stocks. Likewise for Sensex. All the money of NPS and EPFO is invested only in the index fund. Value fund, that value strategy, is one where the fund managers endeavor. I'll tell you, value and contra are a little different, but for the fund classification, it is bunched together. Value is something where the fund manager thinks that the worth of the company or worth of the underlying investment is higher, and he's able to buy it at a lower price. Whereas contra is a strategy, is something where everybody, the fund manager thinks differently, and he thinks that he will be right over a period of time. Everybody is optimistic or pessimistic about a company, and the fund manager actually builds a portfolio which is contrary to that. That is a contra strategy. He thinks differently, and he's hoping to be right. And so that's the contra strategy. Both the strategies are bunched together. And sometimes these strategies, the investment in these funds, that prove to be, a test of patience, because, many a time some of these companies, they are valued or they are, perceived to be, at much lower price than their underlying worth is for a reason. It is not for, mysterious reason. People are pessimistic for a reason about a company. Yeah, as you would have seen that many of the public sector companies are, ITC, there is a debate is on. That here is a company which is a fast growing company and yield 5%, why the price doesn't go up? And simply because, there are a lot of people are pessimistic about the growth business of ITC. And the debate is on. I don't have an opinion on that. But what I'm saying is that relative to many other businesses compared to that, it might be looking like a value. It might be looking like relatively cheap. But then you have to have a lot of patience sometimes with such companies. So that's how it is. And Dhirendra, the SEBI regulations do not allow one fund house to have a fund in both value and contra. You can have either of the two. And you clearly are saying that there is a difference between the two. So why has that been done? Simply because, SEBI wanted to simplify the life of investors so that there are not too many. And the difference between the contra and value is not very substantial. So they have, just said that have just one of the two. Likewise, you will always find some overlap in the fund categories. For example, if you look at the large and mid cap and you look at the multi cap fund,
I don't think that it is substantially different. Or if you look at the multi-cap fund or the flexi-cap fund, there will be good overlap. You know, one can actually run both the funds somewhat with similar allocation. But, you know, that's an overlap, and simply because the fund industry also has a legacy. Fund companies have been launching these funds in the past, and they carry on. So SEBI wanted to have, you know, be a little accommodative of the constraint that the fund companies were facing. Otherwise, it would have caused far greater disruption in terms of too many mergers and combining the funds or closure of the funds. नैनीताल से राजेंद्र हैं हमारे साथ. राजेंद्र जी, स्वागत है आपका. सवाल पूछे. जी नमस्कार सर. नमस्कार. सर मेरे पास म्यूचुअल फंड काफी हो गए हैं. मैं उसमें छांट नहीं पा रहा हूँ कि किन को रखूँ किन को बंद करूँ. तो मुझे इसमें धीरेन्द्र जी की सहायता चाहिए. मैं नाम ले रहा हूँ. एक्सेस ब्लू चिप फंड, एक्सेस फोकस 25, कैनरा रुबेको इमर्जिंग इक्विटीज, मिरर एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, SBI फोकस्ड फंड, SBI स्मॉल कैप, आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, सुंदरम स्मॉल कैप, निपोन स्मॉल कैप, और इतने फंड हैं सर. जी आपके पास ढेर सारे फंड हैं. फोर स्मॉल कैप अलग अलग समय पे, अलग अलग समय पे अच्छा कर रहे थे. सबसे पहले तो ये निर्धारित आपको करना पड़ेगा कि आप कितना चाहते, और वो मैं आपको उसमें मदद करूंगा कि आपको कैसे करना चाहिए. पर शायद एक रेडियो प्रोग्राम के जरिए ये आपके लिए बारीकी से मुझे बता पाना जरा मुश्किल है. सबसे पहले तो निर्धारित करके कितने साल तक इस पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर 10 साल तक इस पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी तो जो आपका स्मॉल कैप का जो एलोकेशन है वो रहना चाहिए. अगर और उसके उतार चढ़ाव से आपको डर नहीं लगता है, अगर उसके उतार चढ़ाव से आप बहुत अगर परेशान हो जाते हैं तो उनको कम करना चाहिए. एक तो ये है. दूसरा, आपके पास इसी चीज को अचीव करने का दो तीन तरीका है. एक तो कि आप अपना सारा पैसा निकाल बेच दें और एक फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा लगाएं, तो आप पूरे बाजार की भागीदारी हो जाएगी. और तीन चार अलग अलग फंड कंपनी का लगाएं. इससे आपके पास एक लो मेंटेनेंस पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा. आपको वही सारी सुविधा मिलेगी, लेकिन आपका पैसा वैसे ही स्प्रेड होगा, लेकिन तीन चार फंड वो रिफ्लेक्ट के जरिए ही वो हो जाएगा. दूसरा, आप इसका कंट्रोल ले सकते हैं, जहां पे आपके पास 30-40% पैसा या अधिकतम 50% पैसा आपका स्मॉल कैप में हो, और दो या तीन से ज्यादा फंड ना हो, और बाकी पैसा जो 50% है वो एक या दो मल्टी कैप फंड में. और चूंकि आपके पास अधिकतर फंड अच्छे हैं या कभी अच्छे रहे हैं और अभी बहुत बुरा नहीं कर रहे हैं, तो मेरी सलाह होगी कि आप वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन पे जाइए और इनके बारे में जो ओपिनियन है वो देखिए, और जो इसमें जिनके बारे में ओपिनियन कमजोर दिखता है उसके प्रदर्शन की वजह से या हमारा एनालिस्ट ऐसा सोचता है, उसके आधार पर उन फंड को बेच दीजिए. Dhirendra, you normally used to say that it's best to have, like right now also you said, 2-3 multi-cap funds. Would you now say that it's 2-3 flexi-cap, or would you still say multi-cap? I would say flexi-cap. I'm still, you know, because of the, you know, manner of speaking, I'm actually using it interchangeably. But I think, you know, it will be flexi-cap. Okay. Ramesh from Kolkata is online with us. Ramesh, welcome to Market Mantra. Namaskar. Namaskar. Sawal puchhe. LIC के वन टाइम पेंशन स्कीम में मम्मी पैसा रखना चाहते हैं, इसमें कोई रिस्क को है या डिटेल से बताइए. कौन सा प्लान बताया आपने? Dhirendra, were you able to hear the name of the product? It was some pension plan of LIC. Okay. And I have, you know, some. So not LIC, MF probably. Any LIC plan, if it is Life Insurance Corporation's plan. A pension plan. It will have some, you know, insurance component, and a good part of it will be, you know, accumulation plan. And I think, you know, the advice remains the same, that choose an investment fund, investment plan of a mutual fund, and buy a term insurance. And, you know, any investment could be your retirement fund. If you earmark it as your retirement fund and you don't pull that money out and keep investing till your retirement, and start your withdrawal plan from that investment on retirement. Delhi se Shailesh hamare saath hain. Shailesh, swagat hai aapka. Sawal puchhein. Sir, Dhirendra saab se puchna tha mujhe ki Franklin ka jo income opportunity fund hai, ji, isme paisa wo wapas nahi kar rahe hain. Is it ji as per the SEBI regulation or is it something different? It is as per the court order. You know, the court has ordered that they should be giving all the money
which they have been able to realize. So far, the portfolio of the income opportunity fund was such that, you know, and all the money which the fund has distributed or returned last week on Tuesday is the money which automatically comes. Franklin Templeton was not allowed to go and proactively sell the investments of these funds. All these were a result of, you know, all the prepayment or, you know, any interest payment and all those things which got accumulated. It was not the result of actions of Franklin Templeton. Now, I think, you know, Income Opportunity Fund, the kind of investment they have, which is longer maturity bonds, they will, because they have now been enabled, they will be able to sell those investments through SBI Mutual Fund, which has been empowered to do that, and periodically pay your money, return your money. And let's see, you know, I hope that, you know, they don't face a calamity or, you know, some kind of poor credit while trying to realize it. But right now, they are not in a hurry. They would try to maximize because of the court cases and the litigation. The whole thing has been delayed by nearly, you know, 9-10 months. But from here on, I hope that, you know, they will be proactively able to sell their investment, the residual investment, and return your money well, steadily or, periodically. Before we take the next caller, let's quickly look at the second story. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has called upon the private sector to be a part of India's growing needs, aspirations, and demands across various sectors. Speaking in Bengaluru today at the interaction with the industry leaders, the minister said that the budget presented by her acts like a facilitator for the private sector to energize growth. Saying that the budget has set a path for the coming decade, she added that the government borrowings used for the stimulus package announced by her is aimed at core sectors that will trigger growth of the economy and produce ripple effects across these sectors. We now have Bheem from Maharashtra online with us. Bheem, welcome to Market Mantra. Hello. जी भीम आपका स्वागत है सवाल पूछे नमस्कार नमस्कार पूरी टीम को नमस्कार मैं एक हाइपोथेटिकल का प्रश्न है जो कि मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ आई रेड समवेयर कि व्हेन एवरीबॉडी इज बाइंग यू सेल एंड व्हेन एवरीबॉडी इज सेलिंग यू बाय इसके तहत मैंने निश्चय किया तो मैंने 51,000 पे थोड़ा 1,00,000 का सेल कर दिया अब मैं दोबारा बढ़ गया तो मैं नुकसान में मतलब मुझे लगा कि मैंने गलती कर दी व्हेन एवरीबॉडी इज बाइंग आई मस्ट सेल एंड व्हेन एवरीबॉडी इज सेलिंग आई मस्ट बाय इसको आप कहाँ तक उचित समझते हैं मुझे ये कुछ हद तक उचित लगता है जब बाजार में बहुत ज्यादा निराशा हो ये कहावत ये है और ये कहावतों के आधार पर निवेश नहीं करना चाहिए लेकिन दो कहावत है एक है कि जब व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट और अगर आपको हिम्मत है और आप निवेश करते हैं तो आपको बड़ा मुनाफा होगा और अगर किसी ने मार्च में उसका पालन किया होता तो उसको बड़ा फायदा होता दूसरा कि जब आम अखबार में टाइम्स ऑफ इंडिया में या नवभारत टाइम्स में या हिंदुस्तान में हिंदुस्तान टाइम्स के फ्रंट पेज पे अगर स्टॉक मार्केट का खबर आने लगे जब आपके यहाँ कोई पड़ोसी आपके आपसे स्टॉक मार्केट के बारे में बात करने लगे तो उस समय स्टॉक बेच देना चाहिए मुझे लगता है कि वैसी स्थिति नहीं आई है चलिए एक और खबर पर नजर डालते हैं भारत के प्रति सकारात्मक रुख बनाए रखते हुए विदेशी निवेशकों ने फरवरी में अब तक देश के पूंजी बाजार में लगभग 25,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है ताजा आंकड़ों के अनुसार विदेशी निवेशकों ने 1 से 19 फरवरी के बीच भारत के शेयर बाजार में 24,204 करोड़ रुपए और ऋण बाजार में 761 करोड़ रुपए का निवेश किया इस तरह इस अवधि में कुल निवेश 24,965 करोड़ रुपए का रहा जनवरी में विदेशी निवेशकों ने भारत के पूंजी बाजार में 14,649 करोड़ रुपए का निवेश किया था जबकि दिसंबर में उन्होंने 68,558 करोड़ रुपए की भारी रकम भारतीय बाजार में डाली थी आज वक्त इतना ही है धीरेन्द्र कार्यक्रम में शामिल होने और सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आपका थैंक यू धीरेन्द्र बिफोर वी क्लोज रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अर्जेस स्टेट्स टू टेक एडवांटेज ऑफ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम टू इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन कॉल्स अपॉन द प्राइवेट सेक्टर टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियाज ग्रोथ स्टोरी एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स पंप इन नियरली 25,000 करोड़ रुपीज इन टू द इंडियन कैपिटल मार्केट सो फार इन फेब्रुवरी दैट्स ऑल दैट वी हैव इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंत्र नमस्कार Market Mantra, Mantra.